सुप्रभात तगड़े गाइस, दोस्तों सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशा करता हूँ आज सभी लोग अच्छे होंगे। और टाइटल देख के आपको पता चली गया कि आज का ब्लॉग किस चीज पे होने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं ताड़केश्वर। कहाँ से? अभी हम आ रखे बंदड़गांव, और बंदड़गांव से पता चला है कि ताड़केश्वर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई पर है। तो हमने सोचा यार घुमाते हैं, तो आज हम मतलब उसी जगह का ट्रैक करेंगे और देखते हैं जर्नी कैसी है। अगर आपको जर्नी दिखाएंगे तो ब्लॉग के साथ बने रहिए और एंजॉय करिए ब्लॉग। मिलते हैं आगे। देवभूमि उत्तराखंड, जैसा नाम है वैसा ये है भी। आखिर सच में यहाँ देवों का वास है। पंच बद्री यहाँ है, पंच केदार यहाँ है। वैसे पंच केदार से याद आया, केदारखंड में शिव जी के 5 शैव्य पीठ है, जो कि ताड़केश्वर, किलकिलेश्वर, क्युक्यालेश्वर, बिंदेश्वर और एकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक ताड़केश्वर महादेव के दर्शन आज हम करने जा रहे हैं। हम ताड़केश्वर जा रहे हैं बंदूड़ गांव को ट्रैक करते हुए। वैसे ताड़केश्वर जाने के जनरली दो रास्ते हैं, एक सतपुली से और दूसरा कोरदा लैंसडाउन होते हुए। दोनों रोड चमेठा में मर्ज हो जाती है और चकुला खाल होते हुए ताड़केश्वर पहुँचती है। तो आप इन दोनों रास्तों से चेकआउट कर सकते हैं और देखते हैं हमारी जर्नी कैसी रहती है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते के बारे में? दिस रास्ता, हाँ जी, ज्यादा कठिन नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, आप देखते हैं जो चढ़ाई है मेन या वो अब शुरू होगी। ओहो, अभी तक थोड़ा अच्छा थोड़ी बहुत चढ़ाई थी, मगर जो मेन चढ़ाई है ओहो आप हम उन्हें रही चढ़ चढ़ने। अच्छा या यही यही फील चाहिए, यही फील चाहिए। अच्छा, आप पहले दौड़ के शुरू गए? नहीं गए। मेरा फर्स्ट टाइम है। आप? मेरा सेकंड टाइम। अच्छा, तो ताड़केश्वर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अच्छा, जाके आने का मन नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी शांत जगह। अच्छा, ये मंदिर शिव जी को डेडिकेटेड है? अच्छा अच्छा, क्या पेड़ों से? अब तो देखना बनता है, अब तो देखना बनता है भाई। पक्का रास्ता है वो, यहीं तक था। अभी यहाँ से सारा रास्ता जो है कच्चा है। अच्छा, हमें पैदल चढ़ना पड़ेगा। और पैदल आए हम, जो रास्ता था यहाँ कदम होगा पक्का। अच्छा गाइस, लेट्स गाइस गाइस आगे देखते हैं। बिल्कुल, ये उत्तराखंडी भाई बहनों। अच्छा, हरियाली गड़ाना से डोली आई, नौ धाम हुड़की बजीचा, नौ धाम हुड़की बजीचा, नौ धाम हुड़की बजीचा, हरियाली गड़ाना से डोली आई, नौ धाम हुड़की बजीचा। यो भराती फूटा मची आई, नचड़ा का खाते यो गाड़ू बनाई, दिखता ची आप दिखता ची हम, कैमरा का पीछे ची मोहित गुस्साई, तेरा पुनु को नॉनु करनु बाबाल, सब का हूँ या ची हाल बेहाल, रिश्तेदार भी बोलना ची क्या ची विचार, तेरा लंबा ची बाल क्या करनु आज काल, एक लो तू छो घर को सचिन ची नौ, दगड़िया भी बोल रहा कब लालू तू बो। हेलो गाइस, चाय पी लो, चाय पी लो। मैं कह रहा हम पहुंच गए ताड़केश्वर मंदिर। आपकी नहीं, तुम दोनों की, हमारी कुछ नहीं, हम तो भाई एक्टिव है। और बहुत सुंदर मंदिर है यार। हम आपको मंदिर दिखाएंगे, पहले मंदिर देखो यार, उसके बाद आप स्टार्टिंग देखो। स्टार्टिंग है? हाँ, अभी जैसे नीचे जाना है। अच्छा, तो सिनेमेटोग्राफी में दिखा देंगे। ताड़केश्वर आ ही चुके हैं, तो ताड़केश्वर के बारे में कुछ जान ही लेते हैं। ताड़केश्वर टेंपल की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ताड़केश्वर में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, पंडार के पत्ते और एक यूनिक सरनेम वाले लोग अलाउड नहीं हैं। कहा जाता है एक टाइम पे ताड़केश्वर नाम के एक संत थे जिनके साथ इन यूनिक सरनेम वालों ने छल किया था, जिसके कारण उन्होंने इन्हें श्राप दिया और कहा कि आगे जाके तुम्हारे सरनेम वाले लोग मेरे टेंपल में अलाउड नहीं है। इसके कारण अब वहाँ वो सरनेम वाले लोग नहीं जाते। मिस सुरती, ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँच कर बहुत ही अच्छा टिकेट तो आ चुके हैं, बनाना आ चुके हैं। हाँ जी, वो है क्या ताड़केश्वर? अच्छा, तो हम थोड़ा तुम ही देख लेते हैं। रामी भोराणी भी यख कुचा, जीतू बगड़वाल भी यख कुचा, देवभूमि का वासी हम गर्व से रहे।
गाइस जो ऐसे एक कुंड है ना, इस कुंड की खासियत ये है, इस कुंड में भाई पानी खत्म नहीं होता। और साफ लिखा उसमें कि ताड़केश्वर महादेव को चढ़ाने के लिए और पानी पीने के लिए ये कुंड है, मतलब इसमें हम नहा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये देवदार का जंगल है पूरा का पूरा, और मतलब काफी खुला एरिया है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये गाने इनसे। बजता गेम ता गेम जब दे भूमि से गया मैं, फिर लोगों ने है घूरा, लोग बोले पाड़ी तेरी टोन रंग। तो तगड़ो ये है नहाने के लिए कुंड, हम नहा तो नहीं रहे पर हाथ मुंह धोएंगे। और यहाँ बहुत ठंड है, अब पानी में देखते हैं। आप मानोगे नहीं भाई, बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा है। यानी देवों का घर, यम देवों के छाव में है बेफिकर से, ऊंची आवाज में देवों को पूजते, डरते मसाण क्योंकि हम उत्तराखंड से। पैर जमीन पे पर फिर भी ऊंचाई में रहते हम, ठंडी हवाओं का नशा मैं खींचू दम, बढ़ती जा रही है ये आग, हूँ मैं पहाड़ से स्ट्रेट आउट अ पार्ट स्ट्रेट आउट। ये देखो ऊपर देवदार, ये हमारे पीछे ताड़केश्वर मंदिर और गेट है, मतलब मेन गेट। सुमन भाई कैसे लग रहा दर्शन करके? दर्शन करके तो मजा आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इनका फोटो शूट चल रहा है, ये हमारी मॉडल और ये हमारे कैमरामैन। भाई साहब कैसा, क्या दैडी मिल रही है आपको, बता तनका तुमका। ये देखिए मॉडल को संतुष्टि नहीं मिली। तो गाइस आ चुके हैं ताड़केश्वर मंदिर में और दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ी यूनिक चीज मिली यार, ये ताड़ का वृक्ष है और इस पे त्रिशूल बनाऊंगा, दिखाता हूँ। ये जो ताड़ के पेड़ का आप त्रिशूल देख रहे हैं, ये ताड़केश्वर में एक नहीं बल्कि पांच पांच है, एक सेंटर में और चार चारों ओर। कहा जाता है कि ये ताड़केश्वर मंदिर की रक्षा करते हैं। कैसा लगा दर्शन करने? जाने का मन है, ठंड है यार, कपड़े देखने नहीं आए हम, जाना तो पड़ेगा। ये घंटियां देख रहे हैं आप? कहा जाता है जब किसी की विश पूरी हो जाती है तब वह यहाँ आकर अपने नाम की घंटी चढ़ाता है। ऊंचा शिव को कैलाश गंगा भगीरथी को मैत, ऊंचा शिव को कैलाश गंगा भगीरथी को मैत, देवी देवताओं को वास यकी चा, जन रंगत मेरा तेरा खंड मचा, उन्हें रंगत खकी और मेरो दिल भरी है गे, ऐसो कबर सा मेरो दिल भरी है गे, बॉडी ऋतु चेत की बॉडी की है गे, बॉडी ऋतु चेत की बॉडी की है गे, अर डांडू खेलिया बुरा से का फल लेगी, डांडू खेलिया बुरा से का फल। गाइस अब ताड़केश्वर से जा रहे हैं वापस घर, और इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं। और Do like, share and subscribe. This is our Negi official YouTube channel. Like and subscribe. Yeah. बहुत है यार, बहुत है, धन्यवाद इतना करते हैं, बहुत है। Bye.